नमस्ते बिटिया, आई हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर, डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ वेमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट इज पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस कॉजेज सेंट्रल चेस्ट पेन व्हेन इज शार्प इन कैरेक्टर एंड एग्रीवेटेड बाय डीप इंस्पिरेशन। कफ और पोस्चरल चेंजेस। कैरेक्टरिस्टिकली द पेन इज एग्जर्बेटेड बाय लाइंग रिकम्बेंट एंड रिड्यूस बाय सिटिंग फॉरवर्ड। पेरिकार्डाइटिस इज यूजुअली इडियोपैथिक और कॉज्ड बाय कॉक्सेकल बी इन्फेक्शन। इट मे ऑल्सो अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बट अदर कॉजेज आर सीन लेस कॉमनली। कॉजेज ऑफ अक्यूट पेरिकार्डाइटिस इज इडियोपैथिक, इन्फेक्टिव, वायरल, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस सिम्प्लेक्स, बैक्टीरियल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, यूरेमिया, मैलिग्नेंसी, रेडिएशन थेरेपी, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कार्डियोटॉमी, ड्रेजलर सिंड्रोम। एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन प्रोड्यूस सीवियर टीयरिंग पेन इन आइदर द फ्रंट और द बैक ऑफ द चेस्ट। द ऑनसेट इज एब्रप्ट अनलाइक द क्रेसेंडो क्वालिटी और इश्चैमिक कार्डियक पेन। टिपिकल पेशेंट मिडिल एज और एल्डरली पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और आर्टरियोस्क्लेरोटिक डिजीज, ओकेजनली यंगर पेशेंट विद एओर्टिक रूट डिजीज, एग्जाम्पल मारफान सिंड्रोम। मेजर सिम्टम इज लाइक चेस्ट पेन, टिपिकल इंटरस्कैपुलर। मेजर साइन ऑफन नन, समटाइम्स रीजनल आर्टरियल इंसफिशियंसी, एग्जाम्पल ऑकुलजन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी कॉजिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी कॉजिंग स्ट्रोक, स्पाइनल आर्टरी कॉजिंग हेमी एंड क्वाड्रीप्लेजिया, रीनल आर्टरी कॉजिंग रीनल फेलियर। सबक्लेवियन आर्टरी ऑकुलजन में कॉज डिफरेंशियल ब्लड प्रेशर इन आइदर आर्म, एओर्टिक रिगर्गिटेशन, कार्डियक टेम्पोनेट, सडन डेथ। डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे वाइडेंड मेडियस्टिनम ओकेजनली विद द लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन, ट्रांस ईसोफेशियल इकोकार्डियम, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैन कन्फर्म डाइसेक्शन। कॉमेंट टाइप ए डाइसेक्शन इन्वॉल्व द असेंडिंग एओर्टा, आर यूजुअली ट्रीटेड सिग्निफिकेंट सर्जरिकली। टाइप बी dissection involve the arch and the descending aorta and are usually managed medically or with an endovascular stent. Pulmonary embolism. Peripheral pulmonary embolism causes sudden onset, sharp pleuritic chest pain, breathlessness and hemoptysis. Major central pulmonary embolism present with breathlessness and chest pain that can be indistinguishable from ischemic chest pains and syncope. Risk factor for pulmonary embolism should be sought in the history. Pulmonary embolism typical patient, recurrent surgery, recent surgery, lower limb fracture or long distance are travel. Obese, sedentary, heart failure, malignancy. Major symptom is chest pain, dyspnea, hemoptysis and syncope. Major sign peripheral emboli, pleural rub, large central emboli, tachycardia, hypotension, cyanosis, raised jugular venous pressure. Diagnosis is D-dimer, a negative D-dimer in a low risk patient makes pulmonary embolism very unlikely. ECG, sinus tachycardia, right bundle branch block, क्लासिकल S1Q3T3 पैटर्न अनकॉमन। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल वाइडन शेप, पेरीफेरल
ऑसिफिकेशन, एब्सेंट पल्मोनरी वैस्कुलर मार्किंग, इकोकार्डियोग्राम, डायलेटेड राइट हार्ट इन सम केसेस ऑफ लार्ज सेंट्रल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम हैज सुपर शेडेड वी बाई क्यू स्कैनिंग एज द डायग्नोस्टिक टेस्ट और चॉइस. कॉमेंट, सस्पेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन द पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड हाइपोक्सिया, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी शुड बी कंसिडर फॉर पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म एसोसिएटेड विद शॉक एंड और अ डायलेटेड राइट हार्ट ऑन इको पेशेंट विद नो रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट. Dyspnea. Dyspnea is an abnormal awareness of breathing occurring either at rest or at an unexpectedly low level of exertion. It is a major symptom of many cardiac disorder, particularly left heart failure, but its mechanisms are complex. In acute pulmonary edema and orthopnea, dyspnea is due mainly to the elevated left atrial pressure that characterize left heart failure. This produces a corresponding elevation of the pulmonary capillary pressure and increased transudation into the lung, which become edematous and stiff. Oxygenation of blood in the pulmonary arteriole is reduced, causing hypoxemia, and this together with the extra effort required to ventilate the stiff lung causes dyspnea. Acute ventricular failure, typical patient with acute myocardial infarction or known left ventricular disease. Major symptom is severe dyspnea, orthopnea, and frothy sputum. Major sign is low output state, tachycardial, S3 sweating, crackles, and lung abscess. Diagnosis: chest X-ray, bilateral air spaces consolidation with typical peripheral distribution, echocardiogram usually confirm left ventricular disease. Additional investigation is ECG may show evidence of acute or previous myocardial infarction. Blood gas analysis shows variable hypoxemia. Comment: although most causes are caused by acute myocardial infarction or advanced left ventricular disease, it is vital to exclude valvular disease, which is potentially correctable by surgery. Exertional dyspnea. Exertional dyspnea is the most troublesome symptom in heart failure. Exercise causes a sharp increase in left atrial pressure and this contribute to the pathogenesis of dyspnea by causing pulmonary congestion. However, the severity of dyspnea doesn't correlate closely with exertional left atrial pressure, and other factors must therefore be important. These include inspiratory muscle fatigue and the effects of exertional acidosis on peripheral chemoreceptors. As left heart failure was exercise tolerance deteriorate in advanced disease, the patient is dyspneic at rest, congestive heart failure. Typical patient: middle-aged male or elderly, either sex, patient with a history of myocardial infarction or long-standing hypertension. In cases where there is no clear cause, always require about alcohol consumption. Major symptoms: exertional fatigue and shortness of breath with orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea in advanced cases. Major sign: fluid retention, basal crackles, raised JVP, peripheral edema, reduced cardiac output, cool skin, peripheral cyanosis. Other finding: third heart sound. Diagnosis: ECG usually abnormal, often shows Q wave, previous myocardial infarction, left ventricular hypertrophy, hypertension, or left bundle branch block. Chest X-ray,
कार्डियक एनलार्जमेंट, कंजेस्टेड लंग फील्ड, इकोकार्डियोग्राम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन विद रीजनल कोरोनरी हार्ट डिजीज और ग्लोबल कार्डियोमायोपैथी कॉन्ट्रैक्टाइल इम्पेयरमेंट। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन रेज्ड बी टाइप नैट्रियूरेटिक पेप्टाइड यूजफुल इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी। रीनल फंक्शन एज प्रील्यूड टू डायूरेटिक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एज इनहिबिटर थेरेपी। ब्लड काउंट टू रूल आउट एनीमिया। कॉमेंट, द इकोकार्डियोग्राम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द पेशेंट विथ हार्ट फेलियर। ब्रेथलेसनेस इन हार्ट फेलियर कैन बी सिंपली क्लासिफाइड बाय यूज ऑफ न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स ऑन नॉर्मल एग्जर्शन, एग्जाम्पल वॉकिंग अप, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। सिम्टम्स ऑन मिनिमल एग्जर्शन, एग्जाम्पल गेटिंग ड्रेस, सिम्टम्स एट रेस्ट। ऑर्थोनिया इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर लाइंग फ्लैट कॉजेज अ स्टीप राइज इन लेफ्ट एट्रियल पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर रिजल्टिंग इन पल्मोनरी कंजेशन एंड सीवियर डिस्निया। टू ऑब्टेन अनइंटरप्टेड स्लीप एक्स्ट्रा पिलोज आर रिक्वायर्ड एंड इन एडवांस डिजीज द पेशेंट मे चूज टू स्लीप सिटिंग इन अ चेयर। पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया इज फ्रैंक पल्मोनरी एडिमा ऑन लाइंग फ्लैट वेक्स द पेशेंट फ्रॉम स्लीप विद डिस्ट्रेसिंग डिस्निया एंड फियर ऑफ एमिनेंट डेथ। द सिम्टम्स आर करेक्टेड बाय स्टैंडिंग अपराइट विच अलाउज ग्रेविटेशनल पूलिंग ऑफ ब्लड टू लोअर द लेफ्ट एट्रियल एंड पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। द पेशेंट ऑफन फीलिंग द नीड टू ऑब्टेन एयर एट एन ओपन विंडो। थैंक यू। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाई विद दिस सेशन। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन देन मेंशन इट इन कॉमेंट बॉक्स। आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।